ट्रांसफॉर्म्ड टूल्स नहीं है, मॉडर्न टूल्स नहीं है, इनकी बस एक एवरेज लुकिंग जो टूल्स हैं उसी की मदद से ये इसको इस पत्थर को कट कर रहे हैं। आगे ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें ब्लेड होती है और ये इसको छोटे छोटे पहले पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। हर टुकड़े को इस तरीके से काटा जा रहा है ताकि उसका एक प्रॉपर शेप आ जाए। ये देखिए जो इरेगुलर शेप है उसको साइड में कर दिया गया, लेकिन जो बीच का मटेरियल है वो इसको काट के अलग कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर से जो वो चौक वाली स्टिक्स होंगी वो हमारी कंक्लूड होगी, यानी कि हमें उस प्रॉपर शेप में हमें हमारी चॉक्स मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डस्टिंग भी बहुत होती है, किस किस तरीके से एक एक चौक को कन्वर्ट करने में कितनी डस्टिंग निकल रही है। देखिए इन्होंने इसी टूल के ऊपर एक और जो है आयरन का बोर्ड सा रखा है, तो यहाँ पे अब ये इसकी ब्लेड्स को चेंज करेंगे। अब इन्हें प्रॉपर शेपिंग चाहिए ना स्टिक्स की, तो इसलिए इस ब्लेड को लगाना जरूरी होगा। ये देखिए ये कटर वाली ब्लेड इन्होंने यहाँ पे लगाई है और अब आप देख सकते हैं ये कौन सा शेप इसमें से निकल रहा है। अभी ये जो है फाइनल हमारी अभी फॉर्म नहीं आई है फ्रेंड्स, अभी सिर्फ एक इसको सेकेंड लास्ट प्रोसेस में अभी इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये देखिए अभी हमारी स्टिक्स जो है वो पतली तो हो गई है लेकिन अभी वो चौड़ी है और उनको अभी प्रॉपर शेप नहीं मिली है, अभी इसको प्रॉपर शेप में करना बाकी है। अब देखिए प्रॉपर शेप में करने के लिए ये पहले इस वाली टूल को थोड़ा शार्पन कर रहे हैं। शार्प होने के बाद इन्होंने उसी टूल के ऊपर वही बोर्ड लगाया है और नीचे से थोड़ी सी टूल्स चेंज करी है, ब्लेड्स चेंज करी है, ताकि इसको और पतला जो है शेप वो दे पाए। अब देखिए कैसे स्टिक्स की इसमें से फॉर्म निकलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब ये प्रोसेस काफी इजी हो गया है। अब ये एक एक करके सारी जो है स्टिक्स को डाल देंगे नीचे और अब आगे के प्रोसेस में ये और भी पतली होके मिल जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, आपने एक छोटी सी चौक जिसको हम सोचते भी नहीं है कि ये इसे कैसे बनाएगा, उसको बनाने के लिए अभी कितनी मेहनत लगी है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना फाइनल आउटपुट कैसा निकल रहा है। ये देखिए अब उस वाले पीस को इन्होंने इस तरीके से शेप में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली मशीन का यूज़ किया है। ये कोई इतनी हाईफाई मशीन नहीं है फ्रेंड्स, ये कटर मशीन की तरह है, लेकिन इससे कितनी अच्छी एकदम स्लिमी सी चौक के शेप हमारे आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,